जी रोमाना, फिलहाल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का काफिला अब जो है इसी गेट से बाहर निकल रहा है। अब हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी सुरक्षा में गाड़ियां हैं वो यहाँ पर से अब जो बाहर निकल रही हैं, और रोड के दोनों तरफ जो योगी के समर्थक हैं, जो इससे पहले उनको महंत के तौर पर देखते थे, सांसद के तौर पर देखते थे, लेकिन आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए हैं। पिछले एक हफ्ते से ये लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज वो मौका मिला है। एक हफ्ते पहले जब योगी ने यहां से उड़ान भरी थी दिल्ली के लिए, तो यहां पर वो सांसद थे, लोग ताली बजा करके अभिवादन कर रहे हैं उनका। यहां पर योगी योगी के नारे लगाए जा रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से जो समर्थक हैं वो तालियां बजा रहे हैं, योगी योगी के नारे लगा रहे हैं। पीछे वो गाड़ी है लाल, जो दूसरी जो एक पहली पुलिस की लाल बत्ती की गाड़ी है उसके ठीक पीछे, जिसके साथ में एसपीजी के दो जवान हमको दिख रहे हैं। सामने योगी आदित्यनाथ लोगों का हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं, योगी के इतने करीब से योगी अपने जो लोग हैं यहाँ पर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए इशारा कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़िए। फिलहाल योगी आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लोग उनके पीछे योगी योगी के नारे लगाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और उसके पीछे ये क्योंकि सरकारी जो है एक काफिला है, तो लिहाजा ये भी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। सबके बीच में योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है, काली मंदिर की तरफ जाएगा, उसके बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि गाड़ियों के काफिलों के पीछे लोग दौड़ भी रहे हैं, कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि योगी की गाड़ी के साथ साथ दौड़ा जा सके, उनके साथ साथ जाया जा सके आगे। तो फिलहाल गाड़ियों की स्पीड भी बहुत तेज नहीं है, इतनी तेज है कि लोग अगर हल्के से चल भी रहे हैं या हल्का सा दौड़ भी रहे हैं तो उसके पीछे पीछे दौड़ सकते हैं। तो फिलहाल क्योंकि ये पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर आदित्यनाथ योगी यहाँ पर आए हैं, लिहाजा माहौल बदला हुआ है। इससे पहले वो अनगिनत बार यहाँ पर आए हुए हैं, लगातार आते रहे हैं। जिस दिन पिछले शनिवार को भी उन्होंने यहीं से उड़ान भरी थी दिल्ली के लिए, उस दौरान भी किसी को अंदाजा नहीं था कि यही होंगे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से गोरखपुर आए हैं, लेकिन इस बार आए हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। उनका काफिला आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सहयोगी कैमरा पर्सन मोहित के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का ये काफिला है। इसमें जो तीसरी गाड़ी है वो है योगी आदित्यनाथ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, और उसके पीछे पीछे सरकारी गाड़ियों का एक लंबा काफिला। इससे पहले जब सांसद थे तो उस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी होते थे और उसके अलावा कुछ एक गाड़ियां होती थी, लेकिन आज माहौल बदल चुका है। आज अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है उसमें हम देख सकते हैं कि किस कदर जो है गाड़ियां ही गाड़ियां, यहां पर योगी योगी के नारे लग रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और समझा जा सकता है वो महंत योगी आदित्यनाथ जो कि महंत हैं गोरखनाथ मंदिर के, गोरखनाथ मठ के, उसके अलावा यहाँ के सांसद हैं, लेकिन इस बार वो यहाँ पर आए हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, और अब उनका काफिला एयरपोर्ट से निकल करके आगे बढ़ चुका है। जी बिल्कुल, तो योगी में हो चुका है इस वक्त गोरखपुर, गोरखपुर पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए, गोरखपुर ने हजारों बार देखा होगा योगी आदित्यनाथ को, लेकिन इस रूप में नहीं, क्योंकि पहली बार बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने शहर गोरखपुर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। और इस पल का इंतजार गोरखपुर को उसी वक्त से था जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया था। जश्न गोरखपुर में उसी पल से शुरू गया था, लेकिन इंतजार एक हफ्ते का करना पड़ा है गोरखपुर को अपने योगी का स्वागत करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर पहली बार अपने शहर गोरखपुर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। नए रूप में योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं गोरखपुर के लोग, क्योंकि अब वो महज उनके इलाके के सांसद नहीं बल्कि वो बन गए हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। और देखिए, देख रहे हैं आप ये गाड़ियों का काफिला, और अब जो गाड़ी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ज्यादा करीब से देखेंगे, ये सफेद रंग की गाड़ी और उसकी अगली सीट पर भगवा रंग के कपड़ों में जो पहचान है योगी आदित्यनाथ की, आगे की सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ। समझ रहे हैं वो बेहद भावुक पल खुद योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि 1998 में राजनीतिक जमीन इसी गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने सींचना शुरू की अपने लिए, और इसी गोरखपुर से 1998 में वो सांसद चुने गए। 26 साल की कम उम्र में पहली बार वो गोरखपुर के सांसद बने, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान योगी आदित्यनाथ ने बनाई और उसमें बड़ा अहम रोल निभाया
योगी आदित्यनाथ के इस भगवा पहनावे ने। ये भगवा पहनावा योगी आदित्यनाथ का जिसने उन्हें बीजेपी का फायर ब्रांड नेता बनाया। और देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का ये काफिला एयरपोर्ट से आगे बढ़ रहा है, नंदा नगर पहुंचना है ये, और सड़क के दोनों किनारे लोगों का हुजूम। एबीपी न्यूज आपको लगातार बता रहा है कैसे गोरखपुर में ना सिर्फ गोरखपुर के लोग बल्कि आसपास के जिलों से लोग पहुंचे हुए हैं। पूर्वांचल में बेहद आकर्षण योगी आदित्यनाथ को देखने का, क्योंकि अब वो महज महंत आदित्यनाथ नहीं है, अब वो महज गोरखपुर के सांसद आदित्यनाथ नहीं है। इस बार जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं तब उत्तर प्रदेश का ताज उनके सिर पर सज चुका है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो पहली बार पहुंचे हैं अपने शहर गोरखपुर। देख रहे हैं आप कैसे बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं, टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे सुबह से ये लोग योगी आदित्यनाथ का, और अब वो पल आए हैं जब अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं ये लोग। तो ये गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ रहा है, और आपको बता दें एबीपी न्यूज रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद थे एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता, और अब आगे जब ये काफिला बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर मेरे सहयोगी रणवीर मौजूद हैं, और जैसे ही योगी आदित्यनाथ की गाड़ी उन्हें दिखेगी वहां का हाल रणवीर हमें बताएंगे। ये गाड़ियों का काफिला जो लगातार इस इलाके से गुजर रहा है आगे बढ़ रहा है। देखिए लोग किस तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सीएम बनने के बाद पहली बार अपने शहर गोरखपुर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। ये आ गई है वो गाड़ी जिसमें अगली सीट पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। देखिए जरा गौर से, तो दो दिन का कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में अपने शहर में, और पूर्वांचल में इस वक्त जबरदस्त क्रेज योगी आदित्यनाथ को देखने का। और ऐसे में लोगों को मालूम है कि दो दिन तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे, इसी वजह से बड़ी तादाद में लोग गोरखपुर पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए। तो लंबा चौड़ा काफिला योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में सरकार, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की तस्वीरें, जहां मंच सजा हुआ है और वही योगी आदित्यनाथ का पसंदीदा रंग भगवा रंग, वो भगवा रंग जिसने योगी आदित्यनाथ को पहनावे से लेकर राजनीति तक एक अलग पहचान दी, उसी भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का ये मंच, जहां योगी आदित्यनाथ का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए कुछ इस अंदाज में पहुंचे योगी आदित्यनाथ अपने शहर गोरखपुर में। देखिए किस तरीके से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं यकीनन योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये बेहद भावुक पल होंगे, क्योंकि इसी गोरखपुर से राजनीति की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की, इसी गोरखपुर में राजनीति की एबीसीडी योगी आदित्यनाथ ने पढ़ी, और इसी गोरखपुर से आगे बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, और बतौर मुख्यमंत्री पहली बार गोरखपुर में मौजूद है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त मौजूद है। रणवीर बताइए कहां पहुंचा योगी आदित्यनाथ का काफिला। तो एबीपी न्यूज पर ये नॉनस्टॉप कवरेज आप लगातार देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं, गोरखपुर में सरकार। पिछले शनिवार गोरखपुर से चार्टर्ड प्लेन से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया था, जब उन्होंने कहा था कि अहम बैठक में वो हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन तब किसी ने सोचा नहीं था कि घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर इस तेजी से बदलेगा कि उत्तर प्रदेश का ताज योगी आदित्यनाथ के सिर पर सजा दिया जाएगा। लेकिन शाम होते होते तस्वीर साफ हो गई, विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया, और फिर अगले ही दिन रविवार को योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाल ली, और उसके बाद से तो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में पहले दिन से निकल के योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। आप और मैं इस वक्त खड़ा हूं जो एमपी इंटर कॉलेज और एयरपोर्ट के बीच का मोहल्ला है मोहद्दीपुर, वहां पे आप देख सकते हैं कि अभी से योगी आदित्यनाथ के इंतजार में कितनी लंबी लाइन रोड के बीच में बनी हुई है, गाड़ियों को निकलने में भी दिक्कत हो रही है, महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, ये पंजाबियों का मोहल्ला, और यहां काफी लंबी लाइन देखने को मिल रही है, और आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं।
आपको मैं बाएं अपनी बाएं तरफ दिखाऊं कि एक कोई गाड़ी आई है, लोगों को लगा है कि शायद योगी आदित्यनाथ का काफिला है और लोगों ने उस गाड़ी को बीच में ही रोक लिया है। हेलो हेलो भैया, जी तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में सरकार, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं। कुछ ही मिनट पहले योगी आदित्यनाथ का विमान जो गोरखपुर में लैंड हुआ और फिर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहला पड़ाव महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, जहां पर भव्य स्वागत समारोह रखा गया है योगी आदित्यनाथ के लिए। एबीपी न्यूज पर यह नॉनस्टॉप कवरेज लगातार जारी है। गोरखपुर में चप्पे चप्पे पर मौजूद है एबीपी न्यूज संवाददाता। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।